नगरी निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बार यहां पर एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचा और वहां पर पहुंचकर उन्होंने यह साबित करने की कोशिश करी कि तकरीबन 1.5 लाख से अधिक फर्जी मतदाता इंदौर में जुड़ चुके हैं, जिन मतदाताओं को जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय जिन मतदाताओं को चिन्हित किया गया था उनको उस सूची से बाहर किया गया था। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी उन्होंने फिर उन्हीं मतदाताओं को वापस से जो फर्जी मतदाता हैं उनको फिर से उस सूची में जोड़कर तकरीबन 1 लाख से अधिक फर्जी मतदाता की सूची यहाँ पर संभागायुक्त को दी और उसको जांच में डालने का की भी यहाँ पर बात कही है। दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा है कि जो इस बार के चुनाव होना है उस चुनाव को बैलेट पेपर से करवाएं ताकि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव जो है किया जा सके पूरे मध्य प्रदेश में। और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी की जो सरकार है उसको भी चैलेंज किया है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को फायदा मिलेगा। इंदौर से एमपी न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।